शिमला खूबसूरत हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह स्थान जिसे समर रिफ्यूज और हिल स्टेशनों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, समुद्र तल से 2202 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान शिमला जिला 1972 में बना था। इस स्थान को वर्ष 1964 में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। इसने स्वतंत्रता के बाद पंजाब की राजधानी के रूप में कार्य किया। आगे चलकर शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी। नारकंडा हिमाचल प्रदेश राज्य का एक सुंदर पर्यटक स्थल है। यह हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं और इसकी तलहटी में हरे भरे जंगलों का शानदार दृश्य प्रदान करता है। 2708 मीटर की ऊंचाई पर हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर स्थित यह भारत के लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। नारकंडा शहर के सभी पर्यटक स्थलों में से पर्यटन स्थल इन और लगभग नारकंडा हाटू पीक सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि यह वहां का उच्चतम बिंदु है। स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र स्थान के रूप में माना जाने वाला हाटू माता मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। नारकंडा से कुछ ही दूरी पर थानेदार में स्थित प्रसिद्ध स्टॉक्स फार्म व्यापक रूप से अपने सेब के बागों के लिए पहचाना जाता है। हयात्री सतलुज नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक प्राचीन गांव कोटगढ़ भी जा सकते हैं, जो नारकंडा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव को एक घाटी में रखा गया है जिसे यू आकार। मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य से समुद्र तल से 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्यटकों की पहली पसंद है और ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं। मनाली कुल्लू जिले का एक हिस्सा है जो हिमाचल की राजधानी शिमला से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनाली का नाम मनु से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि मनु इसी जगह पर जीवन के 7 चक्रों से बने और मिटे थे। मनाली आप पर्यटकों के बीच यहाँ के सुंदर दृश्यों, गार्डन, पहाड़ों और सेब के बागों के लिए माना जाता है। यहाँ के बागों में लाल और हरे सेब काफी मात्रा में पैदा होते हैं। यहाँ आने पर पर्यटक हिमालय नेशनल पार्क, हिडम्बा मंदिर, सोलांग घाटी, रोहतांग पास, पंदोबांग, पंदकनी पास, रघुनाथ मंदिर और जगन्नाथी देवी मंदिर देख सकते हैं। कुल्लू जिसे देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश राज्य का एक खूबसूरत जिला है। घाटी ने अपना नाम इस विश्वास के कारण अर्जित किया है कि यह एक समय में कई हिंदू देवी देवताओं और दिव्य आत्माओं का घर था। ब्यास नदी के तट पर 1230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह अपने शानदार प्राकृतिक परिवेश से लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र खड़ी पहाड़ियों, देवदार के जंगलों, नदियों और सेब के बागों से घिरा हुआ है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुल्लू अपने प्राचीन किलो, धार्मिक स्थानों, वन्य जीव और बांधों के लिए भी प्रसिद्ध है। कुफरी 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा शहर है। इस जगह को कुर्फ शब्द से इसका नाम मिला, जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में झील है। यह स्थान वर्ष भर पर्यटकों को देखता है। इससे जुड़े कई आकर्षकों के कारण कुफरी, महासू पीक, ग्रेट हिमालयन नेचर पार्क और फागू में पर्यटक स्थल कुफरी के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। ग्रेट हिमालयन नेचर पार्क में पक्षियों और जानवरों की 180 से अधिक प्रजातियां हैं। कुफरी से 6 किलोमीटर दूर फागू शांत प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य है। सुरमय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह गंतव्य एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल भी है। कुछ मंदिर पास में स्थित हैं जो उनकी लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रशंसित हैं। साहसिक प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य खजियार कलाटोप से 3 दिन की ट्रैक के बाद पहुंचा जा सकता है। 3 दिवसीय यात्रा करने वाले यात्रियों को क्षेत्र के सफेद कोटेड बैरन के दृश्य के साथ पुरस्कृत किया जाता है।
साहसिक उत्साही विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां जैसे कि घुड़सवारी, फोटोग्राफी और इस क्षेत्र के बर्फ से ढके मैदानों में अन्य गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। भारी बर्फबारी से जमी हुई धाराओं पर बर्फ से ढके पुलों का निर्माण होता है जो एक मनोरम दृश्य बनते हैं। कसौली हिमाचल प्रदेश राज्य में सोलन जिले में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह का उल्लेख एक महान भारतीय महाकाव्य रामायण में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू वानर देवता हनुमान जी संजीवनी पहाड़ी के साथ लौटते समय इस स्थान पर गए थे। गढ़तव्य को अपना नाम जबली और कसौली के बीच बहने वाली एक पहाड़ी धारा से मिला जिसे कौशल्या के नाम से जाना जाता है। कसौली क्लब और लॉरेंस स्कूल दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। कसौली के कुछ प्रमुख और लोकप्रिय संस्थान, प्रकृति के बीच स्थित यह शहर आकर्षण के लिए भी जाना जाता है जिसमें मंकी पॉइंट, कसौली ब्रेवरी, बाबा बालकनाथ मंदिर और गोरखा किला शामिल हैं। धर्मशाला में एक और आसपास के पर्यटक स्थल कांगड़ा घाटी के इस महत्वपूर्ण शहर में 1905 में विनाशकारी भूकंप का अनुभव हुआ जिसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया और यह एक सुंदर स्वस्थ स्थल और प्रमुख पर्यटक आकर्षक में बदल गया। शहर को दो अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, ऊपरी धर्मशाला और निचली धर्मशाला। निचली धर्मशाला व्यवसायिक केंद्र है जबकि ऊपरी धर्मशाला अपनी औपचारिक जीवन शैली के लिए विख्यात है। मैक्लोडगंज जैसे क्षेत्र ब्रिटिश उपनगरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देखने योग्य हैं। धर्मशाला और शंखुधारी पेड़ के जंगलों के बीच स्थित है जो तीन तरफ धौलदार रेंज से घिरा हुआ है और कांगड़ा घाटी एक शानदार दृश्य पेश करता है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश राज्य की धौलधार श्रेणी में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 1854 में स्थापित इस शहर का नाम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसे समर स्ट्रीट के लिए विकसित किया था। इसके अलावा चंबल जिले के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। डलहौजी में पर्यटन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। डलहौजी के सबसे अधिक देखे जाने वाले चर्चों में सेंट एंड्रयूज और सेंट पोर्टिक एट बैलून, सुभाष चौक पर सेंट फ्रांसिस चर्च और गांधी चौक पर सेंट जॉन चर्च है। समुद्र तल से 2226 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चैल हिमाचल प्रदेश के सोलान जिले में सांग तिब्बा पहाड़ी पर स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। ऐतिहासिक रूप से 1891 में निर्मित और आसपास के चैल द चैल पैलेस के पर्यटन स्थल। अभ्यारण्य में पाए जाने वाली प्रजाति में भारतीय दलित, तेंदुआ, पैंथर, जंगली सुअर, लिंग, सांबर और यूरोपियन लाल हिरण शामिल हैं। चैल में क्रिकेट और पोलो मैदान समुद्र तल से लगभग 2444 मीटर पर स्थित हैं। यह दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्थलों में से एक है। गुरुद्वारा साहिब, काली का टिब्बा और महाराजा का महल चैल के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। यह स्थान ट्रैकिंग और मछली पकड़ने के लिए भी आदर्श है। बीर हिमाचल प्रदेश राज्य के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। शहर की प्रमुख आबादी में पड़ोसी देश तिब्बत के शरणार्थी शामिल हैं। यह स्थान आध्यात्मिक अध्ययन के लिए विभिन्न केंद्रों जैसे कि डियर पार्क इंस्टीट्यूट और धर्मालय संस्थान के लिए लोकप्रिय है। पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भ इस क्षेत्र में कई पैराग्लाइडिंग स्पॉट मौजूद है। अक्टूबर के महीने में हर साल पर्यटक विभाग, नागरिक और हिमाचल प्रदेश सरकार यहां एक पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह लोकप्रिय विश्व वैश्विक स्तर की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता हर साल बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करती है।